काजल जी, तोहरा जैसन यार कहाँ कहना चाहेंगे इस फिल्म को? बहुत ही अच्छा लग रहा है और टाइटल बहुत ही प्यारा है, तोहरा जैसन यार कहाँ। तो और इसमें डॉग भी है, तो मुझे डॉग के ऊपर पूरी फिल्म है, तो मुझे बहुत ही प्यारा, क्योंकि मैं एनिमल लवर हूँ और मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ एंड बहुत एंजॉय करने वाली हूँ पप्पी के साथ। फिल्म के डायरेक्टर रवि भूषण जी के लिए आपने? जी, इस फिल्म के डायरेक्टर है रवि भूषण जी, और उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी डंका, जो बाजगिल डंका, जो बहुत ही प्यारा चला है और बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे से कॉपरेट करते हैं, काम कराते हैं। सो फिर से उनके साथ काम करने का मौका मिलता है तो मज़ा आएगा। आपको टाइटल लगा? टाइटल मुझे बहुत प्यारा लगा, फर्स्ट टाइम ऐसा टाइटल सुना है तो अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? कुछ बस यही कहना चाहूँगी कि हम पहली बार भोजपुरी में, शायद पता नहीं आया है कि नहीं, बट मैं फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ पप्पी के साथ फिल्म, तो बहुत ही मज़ा आएगा एंड हम बहुत एंजॉय करेंगे और आप लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे ये फिल्म देखकर। आपका इस फिल्म में किस टाइप का किरदार है, कुछ बता सकते हैं? किरदार अभी बाद में बताएंगे। क्या है तोहरा जैसन यार कहाँ फिल्म का मुहूर्त है? क्या है क्या बोले, आज का खास दिन क्या है? आज हम मुहूर्त कर रहे हैं, हमारे खास दिन क्या है, हमारे खास सीन क्या है? आज हम हमारी फिल्म तोहरा जैसन यार कहाँ का मुहूर्त करने जा रहे हैं, और हमारे डायरेक्टर है मिस्टर रवि भूषण, जिनके साथ मैंने फिल्म की है बाजगिल डंका। सो बहुत एक्साइटेड है और बहुत खुशी हो रही है कि इनका होम प्रोडक्शन आ रहा है। तो बस आपकी सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और हमारा पूछ रहा हूँ, क्या सब्जेक्ट है फिल्म का, कौन कौन सा है, मतलब कौन जी दिखाई दे रहे हैं और कौन सा स्टार कास्ट है फिल्म में? सर, सबसे बड़ा स्टार कास्ट मेरा जो है बीच में है, अच्छा मोती, अच्छा पवन जी हैं, आकाश जी पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमारे सुपर स्टार कुणाल जी हैं, उनके लड़के जी, पहली बार भोजपुरी लॉन्च हो रहे हैं जी। सब्जेक्ट पूछ रहा हूँ, क्या सब्जेक्ट है इस फिल्म का? सब्जेक्ट तो सर बाद में बताऊँगा, सब्जेक्ट में मज़ा आएगा। बोकाड़िया साहब की एक फिल्म बनी थी तेरी मेहरबानी, उसके ऊपर की फिल्म होगी, सब्जेक्ट वो नहीं है। काजल जी का नाम बताइए, काजल जी को फिल्म में अपने कास्ट किया है? काजल जी के बिना ये फिल्म बनी नहीं सकती थी। काजल जी मेरी बहुत फेवरेट हीरोइन है, तो कुछ कारण होगा फेवरेट होने के लिए। उन्होंने पिछली फिल्म मेरी डंका इतना अच्छा चढ़की ने काम किया उसमें, और बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा काम मैं निकाल लेता हूँ, हर चीज़ को वे समझती है बात, और हर डायरेक्टर की एक फेवरेट होती है, आर्टिस्ट तो होते ही हैं कम से कम, उनमें से एक ही है। और मैं अपनी टीम को लेकर काम कर रहा हूँ, जो पुरानी टीम थी वही टीम है हमारी। मुझे जहाँ पवन जी के साथ तो आपने पहले भी काम किया, लेकिन जो नए आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम करने का कैसा, मतलब इतना उत्साहित उसको लेकर? मैंने सबके साथ काम किया है, सिर्फ आकाश जी के साथ नहीं किया है, तो मज़ा आएगा और इन्जॉय करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि नया है या पुराना है, मैं सिर्फ अपने काम को देखती हूँ और बस इंसानियत है। फिल्म की शूटिंग कहाँ शूटिंग होगी, कब शूटिंग होगी और कब तक दर्शकों को देखने? इस महीने के लास्ट में फ्लोर पे जाऊँगा, अच्छा, और फिर दो शेड्यूल होगा, नेक्स्ट शेड्यूल अगले मंथ में मैं करूँगा, वो बड़ौदा हलोल में होगा, अच्छा मेरा फिक्स लोकेशन। तो क्या उम्मीद है फिल्म से? आपने पूछा जाऊंगा, जब फिल्म रिलीज होगी तेरी मेहरबानी, इतनी सुपरहिट फिल्म थी, उसके बैकड्रॉप पे ये फिल्म फेवरेट है तेरी मेहरबानियां। सो और मुझे उम्मीद है कि ये भी फिल्म सबको बहुत पसंद आएगी। क्या है ना, ये फिल्म जो है, फिल्म बनाने का सबसे बड़ा मोटो है एनिमल वेलफेयर के बिहार में मैं कर रहा हूँ, और जिससे जानवर को लोग हीन भावना से देखते हैं कि वो गली में ही रहेगा और गली का कुत्ता, जैसे कि अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं, तो एक कुत्ता अपने परिवार, जिस परिवार का निवाला खाता है, उसके लिए क्या क्या कर सकता है और कहाँ तक सक्षम है, आप उसको जो है गली का आवारा कुत्ता मत समझिए, ये सब संज्ञा मत दीजिए, और उसके साथ जो है दोस्ताना संबंध बढ़ाइए, उनको कॉपरेट कीजिए, जानवरों को जो बेजबान है उनको कॉपरेट कीजिए, वो आपको बहुत काम है। आपसे भी खास सवाल पूछना चाहूँगा, एक दिन सॉन्ग रिकॉर्डिंग था तो आप अपने कुत्ते को लेकर आई थी, आपको इस खास लगाव है जानवरों से? मैं बचपन से मेरे घर में एक के बाद एक डॉगी आता ही रहा है, और मेरा कभी घर खाली नहीं रहा है, और मेरे पास बहुत सारे पेट्स हैं, और मतलब मैं बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ। अगर और ये फिल्म बनाने का जो मुझे सुझा, इनका जो है वो जानवरों के प्रति प्रेम देख के, जब मैंने देखा डंका में,
मेरे डंडा में भी डॉगी आया था। हाँ, तो एक लड़की एक आदमी इतना हद तक एक इंसान जो है जानवर पर प्यार कर सकता है, नहीं इनके लिए कुछ करना चाहिए। उस वक्त मेरे डंका में जब मैं डंका शूट कर रहा था उसी वक्त मेरे मन में जागी थी और सोचा था मैं फिल्म अपने लिए बनाऊंगा और अपने प्रोडक्शन में बनाऊंगा। और गीत संगीत पक्ष काफ़ी मजबूत होता है बहुत बड़ी फिल्मों में, किस तरह का गीत संगीत रहेगा? कोई मधुकर जी का तो नाम संगीत में सबसे ऊपर है और मधुकर जी ने कंटिन्यू मेरे साथ 5 फिल्में की हैं, ये 5वीं फिल्म है उनकी और हमेशा संगीत उन्होंने एक से बढ़कर एक ही भी दिया है। बहुत सारे गाने हमारे पुराने फिल्मों के भी आज बजते हैं, डकैत के गाने काफ़ी मशहूर है, आपको डंका के हैं सॉन्ग, तो सॉन्ग के मामले में तो मैं हमेशा प्लस रहता हूँ। आप ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिल्में तो आपने काफ़ी की है लेकिन ये जो सब्जेक्ट है फिल्म का ये थोड़ा खास है आपके लिए, अगर ये फिल्म देखा जाए? ये मेरे लिए बहुत खास है बिकॉज इसमें ये डॉग है मूर्ति मोती और इनकी जो है छोटी छोटी फैमिलियन जो है हीरोइन, मेरा पपी भी मेरा हनी भी इस फिल्म में होगा जो इसकी गर्लफ्रेंड बनी है, मोती की गर्लफ्रेंड जूली, हनी नाम है उसका। अच्छा, रोमांटिक एंगल है कुत्तों का भी। अच्छा हां, रोमांटिक एंगल थोड़ा कर दिया मैंने, जिस भी फिल्म में एनिमल उनको उनको भी रोमांस करने का हक है, जहाँ भी एनिमल दिखेंगे मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ, कैसे बिकॉज मैं बहुत प्यार करती हूँ। अनामिका आओ इधर, तुम क्यों उधर बैठी हो? बहुत अच्छा लगता है मुझे और उनसे प्यार करना चाहिए, वो बेजुबान है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब काटने को ही दौड़ता है, उनसे प्यार से अगर आप पेश आते हैं तो बहुत प्यारे हैं और बहुत वो भी कॉपरेट करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू।